इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 111 जोड़ी तारों और उनके ग्रहों का नामकरण किया। खास बात ये कि इनमें दो नाम भारतीयों द्वारा दिए गए हैं। हमसे तकरीबन 340 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे को भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर विभा और इसी तारे के एक ग्रह को संस्कृत भाषा में संतमस नाम दिया गया है। कार्यक्रम पर यह विशेष रिपोर्ट। पृथ्वी से करीब 340 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सेक्सटेंस तारा समूह के एक छोटे पीले सफेद तारे का नाम अब विभा रखा गया है। विभा का मतलब है प्रकाश की किरण। ये नाम भारत की एक अग्रणी महिला भौतिकविद विभा चौधरी के नाम पर रखा गया है। विभा ने अपने गुरु डीएम बोस के साथ एक नए सब एटमिक पार्टिकल पाई मेसन की खोज की थी, लेकिन उस वक्त उनके इस कार्य को मान्यता नहीं मिली थी। इस तारे के एक्सोप्लैनेट को भी संस्कृत भाषा का संतमस नाम दिया गया है, जिसका मतलब है बादलों से ढका हुआ। भौतिकविदों के अनुसार ये नाम पूरी तरह से इस ग्रह प्रणाली के भौतिक और प्रकाश स्थितियों के अनुरूप है। इस ग्रह प्रणाली को HD 86081 सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। The Astronomical Society of India initiated a contest across the country in July. In this, we asked school children to name the planet, and we asked college-going students and people of that age to name the star. We had an overwhelming response, and we are very happy that finally, after a big process of shortlisting about 1,700 entries for this, we have arrived at one name for the star and one name for the exoplanet. सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत के 20 वर्षीय छात्र अनन्यो भट्टाचार्य ने HD 86081 के लिए विभा नाम प्रस्तावित किया था, जबकि सिंघद स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल के 13 साल के छात्र विद्यासागर दौड़ ने एक्सोप्लैनेट HD 86081b के लिए संतमस नाम का सुझाव दिया। I have been interested in the field of space sciences and technology, which allowed me to read about her contributions. It is unfortunate that she did not get the due recognition of her work. Therefore, I decided to propose the name Bibha. I am grateful to the International Astronomical Union, the National Selection Committee, and the people for giving me this opportunity to pay a tribute to one of the great physicists of India. पेरिस स्थित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हाल ही में इन दोनों खगोलीय पिंडों के नामों की घोषणा की। इसके साथ ही दूसरे देशों द्वारा बाहरी ग्रहों एवं उनके तारों को दिए गए नामों की भी घोषणा की गई है। पिछले कुछ सालों में खगोल शास्त्रियों ने सैकड़ों ऐसे बाहरी ग्रहों और उनके ग्रह प्रणालियों को खोजा है जो अपने पास के तारों के चक्कर लगा रहे हैं। इन एक्सोप्लैनेट्स में कई पृथ्वी जैसे ठोस हैं तो कई बृहस्पति जैसे विशालकाय गैसीय पिंड हैं। IAU द्वारा 2015 में भी ऐसा ही एक अभियान चलाया गया था, जिसमें एक्सोप्लैनेट 51 पेगासी बी को डिमिडियम नाम दिया गया था। ये वही बाहरी ग्रह है जिसकी खोज 1995 में हुई थी और इसी खोज के लिए हाल ही में भौतिकी के नोबेल की घोषणा भी की गई है।